Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ओह गॉड, मैं इतना लेट तक क्यों सो रहा हूं आज? मुझे वो फाइल भी तो चेक करनी है। अक्षत, अक्षत, डैड, अक्षत, अक्षत, क्या हो रहा है? अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो। अक्षत, कम से कम तुमसे मुझे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। What have you done? इतनी बड़ी गलती, तुम्हें पता था ना कि आज डेलीगेट्स आने वाले हैं? या तुम्हें यह मालूम नहीं था कि वो हमारे ही होटल में रुकने वाले? फिर अभी तक होटल का रेनोवेशन का काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अक्षत, सारा प्रेजेंटेशन तो मैंने तैयार किया है, तुम्हें तो सिर्फ मैंने होटल का रेनोवेशन का काम देखने के लिए कहा था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। डैड, वो मैनेजर ने कहा था कि हो जाएगा, मैं दूसरे काम में बिजी हो गया, मैं देख नहीं पाया। मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी चेक करने के लिए, तुमने वो फाइल चेक की? वो मैं कर रहा था डैड। तुमने वो फाइल चेक की या नहीं? नहीं। तुमने ये फाइल देखी भी नहीं? तुम ये फाइल देखते तो तुम्हें पता चलता इसमें अर्जेंट लिखा है, और अगर इसे पढ़ते तो तुम्हें पता चलता कि तुमने होटल का रेनोवेशन पूरा करना है। अक्षत, ये तुम्हारी शादी का सेलिब्रेशन अब खत्म हो चुका है। ये लंचेस, डिनर्स, पार्टीज बहुत हो गया। मैंने आज तक अपनी पर्सनल लाइफ को अपने काम के बीच में नहीं आने दिया, और तुम? अक्षत, आज डेलीगेशन आने वाला है और होटल का रेनोवेशन का काम वैसे का वैसा पड़ा है। अब मैं क्या जवाब दूंगा उनको? कहां रुकवाऊंगा उन्हें? आज पहली बार खंडेलवाल ग्रुप ऑफ होटल्स का नाम खराब होने वाला है, और सिर्फ तुम्हारी इस गलती की वजह से। और आप दोनों कह रहे थे ना कि अक्षत सब कुछ संभाल लेगा। संभाल लिया अक्षत? पापा, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? पापा, क्या वो गेस्ट हमारे घर पे आ सकते हैं? अरे अवनी, क्या कह रही है तू? अवनी, वो बहुत बड़े लोग हैं, दुनिया के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं, हम उन विदेशियों को अपने घर में कैसे रिला सकते हैं? तो क्या अगर वो विदेशी है, उन्हें हम अपना मेहमान बनाकर तो ला सकते हैं। पापा, मैंने सुना है कि फॉरेनर्स को हमारे कल्चर और लाइफस्टाइल का बहुत क्रेज होता है। मेरा मतलब है कि अगर वो यहाँ आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, और हम अपने तरीके से उनकी मेहमान नवाजी भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि होटल से ज्यादा हम उनका यहाँ ज्यादा देखभाल कर सकते हैं, और अगर उन्हें हमारी मेहमान नवाजी अच्छी लगी तो वो भी खुश और हम भी खुश। सच्ची पापा, ऐसा हो सकता है। विजय शास्त्री जी, मिठाई खाइए। जश्न जी, मैं मिठाई तब खाता हूं जब किसी के घर रिश्ते की बात करता। शास्त्री जी, तभी तो आपका मुंह मीठा करवा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ रिश्ते के लिए बुलाया, रिश्ते के लिए। अच्छा, शुक्रिया, पर एक बार अवनी बिटिया के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए फिर फौरन आपके पास आ जाता। लो कर लो बात, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। राज, मतलब अवनी और राज? ओ, शास्त्री जी, आप ज्ञानी नहीं, आप तो अंतर्यामी हो, अंतर्यामी। अजी, आपकी मानता कौन नहीं जानता? ओ जी, मेरी पत्नी, धर्म पत्नी माधुरी, वो शहर से बाहर गई हुई है। जब उसे पता चला कि आप अवनी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो, तो वो वहां बैठे बैठे मेरी जान खा रही थी और कह रही थी
राज की बात चलाओ, अवनी के घर रिश्ता लेके जाओ। और आपको तो पता है शास्त्री जी, हम अवनी को कितना पसंद करते हैं। जी ये तो है। और अवनी के घर वाले राज को कितना पसंद करते हैं। हाँ, वो भी है शास्त्री जी, जब ये भी है वो भी है सब है, तो देर किस बात की। तो चलाइए राज और अवनी की बात। ऐसा है जश्न जी के, बात तो कर लेता पर नो इफ नो बट। आप लिफाफा खोलो फटाफट, इसमें राज की कुंडली, फोटो, डिग्री, हमारे राशन कार्ड से लेके सारी डिटेल है, पासपोर्ट तक। अच्छा है, एक बार कुंडली मिल जाए फिर रिश्ता निश्चित है, फिर राज और अवनी की जोड़ी किसे अच्छी नहीं लगेगी। जशन जी अब तो जशन का वक्त आ गया, मुंह मीठा कराइए। तुम्हें रिश्ता पक्का समझू? बिल्कुल, ऊपर वाले ने संजोग यहाँ तक मिलाए हैं, जोड़ी भी जरूर मिलाएगा। और राज तो कुछ कर या ना कर, पर तुझे और अवनी को एक करने के लिए तेरा ये जीजा सब कुछ करेगा, ऊपर वाले का हाथ और जीजे का साथ। लो जी फिर बन गई बात। भाभी यहाँ मैंने हैंडीक्राफ्ट कुशन्स लगाए, इससे घर और भी ऑथेंटिक दिखेगा। ओके, अब डेकोरेशंस के बाद ट्रेडिशनल रेसिपीज की बात। ये रेसिपीज मैंने नेट से डाउनलोड की है, तो आज सबसे पहले यही बनेगा। लो भाई, मेहमानों के लिए फूलों के हार भी आ गए। लेकिन भाई आपने ट्रेडिशनल म्यूजिक का फेटा बांधने वाले को तो कहा ही नहीं। बाहर जाके देख चुकी, सारे इंतजाम हो चुके हैं। देखना भाभी, मेरे हाथ का खाना खाएंगे ना तो पिज्जा बर्गर सब भूल जाएंगे। हाँ। हुआ सा, ये क्या कर रहे हो? खाने में इतनी मिर्ची, फॉरनर्स इतना तीखा नहीं खाते। लेकिन अब तो मिर्ची डल गई, अब क्या करें? करना क्या है, जो करेगा सावरा ही करेगा। भाई सब्जी में मिर्च हो या मीठे में चीनी, मेरा हाथ तो नहीं रुकता। मैं कुछ करूं? हाँ भाभी क्यों नहीं, बुआ सा मैं और भाभी मिलकर ये सब्जी बनाते हैं, तब तक आप मीठा बना लो, फॉरनर्स को मीठा अच्छा लगता है, अगर उसमें शुगर ज्यादा होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो, रास्ते में? हाँ, जल्दी करें। ओके बाय। अरे जल्दी हाथ चलाओ, वो लोग रास्ते में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये लोग तो बड़े पंक्चुअल निकले, टाइम से पहले ही आ रहे हैं। बुआ सा, उनके आने से पहले हम सब काम कर देंगे, और देखना हम उनका ऐसा वेलकम करेंगे कि उनसे ज्यादा खुश पापा होंगे। I'm sorry, Dad. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा से आपको शिकायत का कोई मौका ना मिले। And I'll try my best कि हमारे डेलीगेट्स की मीटिंग और उनका स्टे बिल्कुल अच्छे से हो जाए। तुम क्या करोगे? जो कर रहे हैं फैमिली के बाकी मेंबर्स कर रहे हैं। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि सारे इंतजाम ठीक हो भी पाएंगे या नहीं। अक्षत, अगर तुमने मेरी बात पे ध्यान दिया होता तो आज नौबत यहां नहीं आती। अच्छा, वो तुमने सारे ड्राइवर से बात कर ली ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि डेलीगेट्स को लेके वो होटल पहुंच जाए? नहीं नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारे ड्राइवर से बात हो रही है, वो हमें फॉलो ही कर रहे हैं। Oh, very nice. Welcome. Welcome to our home. Nice to meet you. That music is nice. What does it mean? It means you're welcome. You're welcome to our country. You're welcome to our Rajasthan. Please. Thank you. Namaste. Namaste. Kavita. Hey, how are you? I'm good. How are you? Good. तो ये है कविता महेश्वरी जिसका बंगलो मुझे खरीदता है। Thank you.
ये मेरा आइडिया नहीं, आपकी बेटी का आइडिया था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।